आई आरपी भारद्वाज कन्वीनर ऑफ श्रीनगर केशवपुरम सीपी स्टडी सर्कल वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू टुडेज सेमिनार टुडे वी हैव अ वेरी यंग एंड डायनामिक स्पीकर अनुरुद्ध तिवारी इन बिटवीन अस टू डेलिब्रेट ऑन अ स्पेशल टॉपिक नॉन कन्वेंशनल एरियाज ऑफ प्रैक्टिस फॉर सीए आई रिक्वेस्ट अवर फाउंडर कन्वीनर आर के गुप्ता जी टू काइंडली फॉर्मली इंट्रोड्यूस द स्पीकर एंड स्टार्ट द सेमिनार ओवर टू आर के गुप्ता थैंक यू वेरी मच सी ए आर पी भारद्वाज जी कन्वीनर सी ए अनुरुद्ध तिवारी जी सी ए सागर हुडा जी एंड अदर वेरी डियर मेंबर्स द टॉपिक फॉर टुडेज डिलिब्रेशन इज नॉन कन्वेंशनल एरियाज वेयर सी ए कैन प्रैक्टिस एज वी ऑल नो कीपिंग इन ट्रेंड विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस regulatory areas are on the diminishing trend because world over there is a perception that unless public funds are involved there is no need for audit unless you have got some finances from outside unless public funding is there so there is less requirement of audit And definitely, audit being our main domain, we now have to look for areas where we can practice, which are areas other than the regulatory aspects. CA Anurudh Tiwari ji has been with us on earlier occasions also, and we have had the privilege of listening to him. So today he will be deliberating on this topic. Over to CA Anurudh Tiwari ji, please. थैंक यू सो मच गुप्ता सर एंड भारद्वाज जी और वंस अगेन गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड डायनेमिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इवन आई वुड से यंगस्टर्स एज वेल सो द टुडे सेशन द न्यू एवेन्यूज ऑफ सीए प्रैक्टिस इफ वी टॉक अबाउट द अर्लियर एज व्हेन The chartered professionals were named as Munshi ji. जब राज्य सभा लगती थी तो वहां पे एक मुंशी जी बैठा करते थे एक तक छोटा सा टेबल सा उनके रखा हुआ करता था उसमें अकाउंटिंग किया करते थे सारा लेखा जोखा किया करते थे टाइम इवॉल्व्स एंड ओवर द पीरियड वी हैव सीन द चेंजिंग सिनेरियो एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स नाउ We proudly call ourselves as a chartered accountant. But the very important thing is that do you really think the respect, dignity, which was earlier with the name of chartered accountant, it still exists between all of us or in the society? There are a lot of things happen since last two or three decades. I would say five decades, जहां की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हमें लगता है कि यह ठीक नहीं है इफ यू सी द पॉजिटिव नोट एंड मैच योर प्रोफेशन और सिंग योर प्रोफेशन विद 21st इरा 21st सेंचुरी यू विल रियलाइज दैट दिस इज एज व्हेन यू शुड मूव ऑन From traditional practice to some modern practice. When you got a consultation paper from NAFRA, everybody was like, "Hare, ye kya ho gaya?" When I visit small town, when I meet my younger brothers, छोटे शहरों में जब मैं दोस्तों से मिलता हूँ तो वो मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर ये बताओ काउंसिल क्या करता है हमारी तो ऑडिट चली गई हमारा तो टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ गया जीएसटी ऑडिट चली गई सर हम क्या करेंगे माय वन एंड ओनली क्वेश्चन टू ऑल दीज पीपल हु आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन माय क्वेश्चन टू देम इज आर यू अ कंप्लायंस ऑफिसर आर यू अ साइनिंग अकाउंटेंट Are you only there to sign few papers being prepared by somebody else like accountant or graduate or advocate?
हनुमान जी को जब उनकी शक्ति का पता नहीं था तो उनको शक्ति याद दिलाई गई थी। लाइकवाइज वी हैव लेजेंड श्री आर के गुप्ता जी, जो कि अक्सर तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों को आईबीसी की क्लास दे चुके हैं, प्रोफेशनल बना चुके हैं, एंड रेगुलरली ही इज टीचिंग लॉट ऑफ प्रोफेशनल एंड यंग ब्रेन टू डेवलप न्यू स्किल एंड स्टैंड देयर ओन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस इन द फील्ड। So how much we are ready, how much we are prepared to accept the things and move with the flow, which is actually required in the 21st era, the technical age, the technology age. There was a time when we were filing our income tax return over the paper. We were visiting income tax department, we were waiting in the queue, and when our turn will come, then we will be filing our return, submitting our return, getting it stamped and taking our copy back. If you talk about the assessment, दो दो तीन तीन साल assessment चला करते थे, लंबे लंबे paper bunch में हम इकट्ठा करते थे, अपनी replies file करते थे, जाके date लेते थे. Can you see the change over the period? क्या अभी भी वही time है कि जब आप income tax का assessment कराने जाते हैं, VAT का assessment कराने जाते हैं? Sir, time काफी change हो गया. Now things are system driven. अब आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है. अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं, इसका मतलब आप चीजों से थोड़ा सा पीछे हैं. और अगर आपने खुद को उस सिस्टम से सिंक्रोनाइज नहीं किया, इंटीग्रेट नहीं किया, अगर आपने अपनी प्रैक्टिस को इंटीग्रेट नहीं किया, देन वो समय दूर नहीं है जबकि वो सिस्टम आपको बहुत दूर कर देगा. आज अगर हम एक हमारे पास केस आता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी और इनकम टैक्स, तो हमें मुश्किल से दो चार सेकंड लगते होंगे कि उस केस से रिलेटेड, उस सेक्शन से रिलेटेड कब कौन सा जजमेंट आया था. किसी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने या किसी अथॉरिटी ने अपील में क्या डिसीजन हुआ था, ये हमें चेक करने में, फाइंड करने में सिर्फ चार छह सेकंड की बस बात होती है. वही अगर आप पहले की बात करें तो पहले हमें महीनों भर 15 दिन लगते थे, पूरा रिसर्च टीम लगता था और एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते थे. सो इफ system is changing, you will have to change the way of working as well. If you talk about the bookkeeping, पहले हम खतौनी बनाया करते थे, बड़ी बड़ी किताबें होती थी, बैंक ऑडिट में आप जाते थे तो बड़े बड़े रिकंसिलेशन बनते थे, बट आज फिनेकल ने बहुत इजी कर दिया है, एक सिंगल क्लिक में आपको चीजें मिल जाती है. सो आर यू प्रिपेयर्ड? Are you prepared for the change which is going to happen in your practice? Are you learning the new areas? Recently, we heard that government is going to introduce a bill on cryptocurrency. We heard about artificial intelligence. We heard about blockchain. We heard about fintech. But my dear friends, we are still running for the compliances. We are running for the signing things which are mandatory and where our client is bound to pay us. Our client is bound to appoint us for some kind of audit. हमें मुश्किल होता है ये कहने में कि हमें इतने जिल्लोजहद के बाद कुछ छोटे मोटे पैसों के लिए बोलना पड़ता है, यार मुझे ये ऑडिट किसी भी तरीके से अरेंज करा दो. और वो भी क्लाइंट की मुश्किल होती है, क्लाइंट को बोलता है कि अगर ये मैंडेटरी नहीं होता तो ये ऑडिट मैं नहीं कराता. तो मेरा सिर्फ प्रश्न यह है कि क्या हम इस मैंडेटरी जो कोरम है, इससे बढ़ के हम कितना देख रहे हैं खुद को? यह बहुत जरूरी है. मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज कंफर्म. गुप्ता सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है. yes. नजर आ रही है. हाँ जी, हाँ जी. सो माय क्वेश्चन इज, हैव यू एवर थॉट that you should be the profit center for your client instead of cost center? Client से आप बोलते हैं कि भाई साहब फीस बढ़ाओ, पैसे नहीं बढ़ा रहे हो, देखो 2010 में आप ये अमाउंट देते थे, आज भी वही दे रहे हो. सर, क्लाइंट आपसे एक बात पूछता है, सर 2010 में भी वही आप ऑडिट कर रहे थे, आज भी वही ऑडिट कर रहे हो, फीस किस बात की बढ़ाओ मैं? Now the time is where you need to change your mindset. You will have to give some value addition to your client. And once you will start delivering something beyond the expectation,
You don't need to ask for the increase in the fees, but client will definitely come to you and will give you a check. सर ये मेरी सेविंग इतनी आपने करा दी सर, इसका एक पार्ट तो आपका बनता है, मैं अपने वॉलेंटरली में आपकी फीस बढ़ाना चाहता हूं. यूजुअली वी सी दैट आवर प्रोफेशनल फ्रेंड्स आर रनिंग फॉर द कंप्लायंस. मेरे पास 500 फाइल जीएसटी की हो जाए, 500 फाइल इनकम टैक्स की हो जाए, मैं ये कंप्लायंस पूरा कर दूं, वो कंप्लायंस पूरा कर लूं. सर यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग आई वुड से. आप कोई भी एक फील्ड को लेके चलेंगे, आई कैन गिव यू श्योरिटी दैट यू विल बी द मास्टर ऑन दैट फील्ड. इफ यू गो इन द बैक एंड थिंक अबाउट द स्टडी व्हिच यू हैव डन ओवर द पीरियड, आपने कॉस्टिंग पढ़ी है, आपने कैपिटल मार्केट पढ़ा है, आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ा है, आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा, आपने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा, आपने IFRS पढ़ा, आपने ऑडिट पढ़ा, आपने लॉ पढ़ा, बट वेयर यू आर यूटिलाइजिंग दिस सब्जेक्ट वेयर यू हैव पुट मोर मच ऑफ हार्ड वर्क. आपने 12-12 15-15 घंटे रेगुलर पढ़ाई की, लेकिन वो आप इफेक्ट नहीं डाल पा रहे. हैव यू एवर ट्राइड व्हेन यू गो फॉर द स्टेट ऑडिट, हैव यू वेरीफाइड द कॉस्ट डेटा एट द टाइम ऑफ पुटिंग योर कमेंट इन द कारो कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन था जैसा भी रिक्वायर्ड था उसके अकॉर्डिंग. हैव यू एवर थॉट कि मैं कॉस्ट रिकॉर्ड में देखूं या मैं कोई प्लानिंग करके देखूं कि कॉस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड हो रही है, कॉस्ट में कम करवा सकता हूं क्या, या कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो इलिमिनेट किए जा सकते हैं जो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा मेरे प्रोडक्ट में. क्या आपने ये देखा है कि मेरे जो प्रोडक्ट है मेरे क्लाइंट का उसकी प्राइस जो है अगर उसे थोड़ा स्लाइटली मैं डाउन करवा दूं तो उसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी. हैव यू थॉट दैट हाउ मेनी इंसेंटिव्स गवर्नमेंट आर गोइंग टू गिव टू योर कस्टमर, योर क्लाइंट, क्या सब्सिडी है, रोड टेप की स्कीम आई, क्या ड्रॉबैक मिल रहा है, क्या ड्यूटी स्क्रिप्ट मिल रही है. आप ये अगर क्लाइंट को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, फ्रॉम दैट मोमेंट यू विल जंप फ्रॉम हियर टू हियर वेरी इजली. This two questions are very important for my young friends who have recently qualified or in last two or three years they have qualified. They usually ask me, Anirudh bhaiya, मुझे आप ये बताइए मैं practice करूँ या job करूँ. अच्छा एक बात बताइए, growth किस में ज़्यादा अच्छा है, क्या करना चाहिए मुझे, जल्दी पैसे किस में आ जाएंगे. मैं सबको एक जवाब देता हूँ, आपका दिल क्या कह रहा है. मैं ऐसा सवाल ऐसा क्यों पूछता हूँ, दिल क्यों कर रहा है, क्योंकि आप चाहे जॉब कर लो चाहे प्रैक्टिस कर लो, अगर आपने पूरा 100% वहां पे नहीं दिया, आप अगर एफर्ट नहीं देंगे, यू विल नॉट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एज वेल, एंड ओवर द पीरियड ओवर द 6 month और 1 year यू विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड दैट यस आई एम पुटिंग माई एफर्ट बट आई एम नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम. बट सर वन थॉट इज रनिंग इन योर माइंड दैट आई शुड लीव माई प्रैक्टिस एंड स्टार्ट माई जॉब सो दैट आई कैन गेट मंथली रेवेन्यू मंथली इनकम. तो आप जॉब करें या प्रैक्टिस करें दोनों ही बहुत अच्छा है, किसी भी एक एरिया को चूज करके बस उसी में जान लगानी है. बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल वेल बींग. जैसे डॉक्टर होता है वो जो हमारी हेल्थ है उसके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा एक कंपनी की फाइनेंस हेल्थ के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंपॉर्टेंट होता है. एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. कभी आपने देखा होगा अगर किसी क्लाइंट पे सर्च होता है या रेड होती है, हु इज द फर्स्ट पर्सन क्लाइंट यूज टू कॉल कि सर मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए मैं अपने सीए साहब से बात करूं. Why? Because client have faith and trust that my chartered accountant know each and everything about my business and at the time of difficulty he is the one who is going to save me. वो मुझे बताएगा कि किस सिचुएशन से ओवरकम कैसे करूं, इस समस्या का समाधान वो मेरे को बताएगा. अगर कोई क्लाइंट है, I would request everybody please आप म्यूट कर दीजिए. आप म्यूट कर देंगे प्लीज. आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्लाइंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेशनशिप.
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होता है मैं समझाता हूँ। अगर एक क्लाइंट है उसको अपने घर में कोई अपने प्रॉपर्टी भी खरीदनी है या कुछ प्रॉपर्टी बेचनी है, इवन कार भी खरीदनी होती है, तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछता है कि सर मुझे ये कैसे खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, क्या बेटर ऑप्शन होगा। सो यू कैन इमेजिन द वैल्यू ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वी ऑल आर नॉट सीजिंग अवर अपॉर्चुनिटी, वी आर नॉट ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी विच वी हैव। विकास गोयल जी अपने को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा। At present, if you talk about the services being offered by a chartered accountant, we usually support our client in the company incorporation, few registrations, then GST registration, GST compliances, TDS, bookkeeping, then income tax return, some finance arrangement, the tax audit, statutory audit, some labor laws registration, and for some trademark or intellectual property registrations or some environmental compliances. अब एक सिचुएशन आप सोचिए, यही गिन गिना के कुछ सर्विसेज हैं जो 99% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे रहे हैं और हम ये कहते हैं कि सर कंपटीशन बहुत है। तो अगर आपका भाई भी वही सर्विसेज दे रहा है, मैं भी वही सर्विसेज दे रहा हूं, तो डिफरेंस क्या है? एक तो क्वालिटी का डिफरेंस होगा जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, दूसरा फेस का डिफरेंस होगा। सो व्हाट इज द ऑप्शन सर? यू विल हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कि सर मुझे कंप्लायंस नहीं करना, क्योंकि आने वाले 5 सालों में ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं, फिनटेक की मैं आगे बात करूंगा, कि अब आपकी जरूरत ही नहीं होगी। इनकम टैक्स रिटर्न 1-2 सेकंड में लोग फाइल कर देते हैं, जीएसटी रिटर्न 1-1 मिनट में लोग फाइल कर देते हैं, कोई भी आप रजिस्ट्रेशन या कंप्लायंस की बात करेंगे, एवरीथिंग इज नाउ ड्रिवन बाय द सिस्टम एंड दैट डजंट नीड मोर ह्यूमन इंटरवेंशन। सो यू नीड टू लुक समवेयर एल्स कि वो तो फाइलिंग हो गई, लेकिन अगर उसका असेसमेंट आएगा, गलतियां होंगी, उसके लिए एडवाइजरी का आप काम करेंगे। सी इन द एडवाइजरी एंड कंसल्टेशन पार्ट द बेस्ट पार्ट इज दैट यू विल गेट अ गुड अमाउंट and you don't have any risk, because when you are filing any return or you are signing somewhere for attestation function, then there is use liability come with the remuneration. So the remuneration part is here and liability is here, which is not at all at the same pace. So if we start consultation, then we can match the level like this. अब क्या सर्विसेज हैं जो कि आप दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है एक फिनटेक करके कोई सिस्टम होता है? सो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द फिनटेक इज। सो द फिनटेक इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सर्विस और अ प्रोडक्ट, आई वुड से, वेयर फाइनेंशियल सर्विसेज आर बीइंग गिवन बाय द टेक्नोलॉजी, using the technology. जैसे I'll take an example, हम बैंक में जाते हैं कैश जमा करने के लिए, पहले जाते थे, पहले हमने एक पर्ची लिखी, फिर कैश लेके लाइन में लग रहे थे, फिर इसके बाद हमारी बारी आएगी, वो एक टोकन देते थे, हमारी बारी आई, फिर हमने काउंटर में जमा किया, फिर वो मैडम अपने सिस्टम में इंटर करेंगी, एक हमें रिसीट देंगी, फिर इसके बाद तब जाके कहीं वो हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। आप देखो कितना ज्यादा टाइम गैप। Now, within a fraction of second, आप अपने फंड को एक जगह से दूसरे जगह डाल सकते हैं। There are so many options where you can give your cash and the amount will be credited to your account. Lot of suppliers are there, जो vendors हैं, जो सिर्फ यही काम ही करते हैं management का। अगर आप एक layman की language में समझेंगे, so the fintech refers to the design and delivery of financial product and the services
using disruptive technologies in order to reduce costs, improve efficiency, and provide better personalized service. जैसी आपको सर्विस चाहिए, वॉट एग्जैक्टली द स्टार्टअप इज, स्टार्टअप को क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो सोसाइटी में लोग हैं, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन हम कैसे दे सके, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। कि आपने कुछ अलग करके दिया जिससे हमारी समस्याएं थोड़ा कम हो गई, हमें इजी हो गया। सो इन द फाइनेंशियल सेक्टर फिनटेक इज दैट काइंड ऑफ सिस्टम वेयर योर problems will be eliminated over the period. आज हमें लोन लेना होता है तो हम एक सिंगल क्लिक में हमें लोन मिल जाता है, हमें KYC वेरिफिकेशन करवाना होता है वो भी ऑनलाइन हो गया, आपको किसी को पेमेंट ट्रांसफर करानी है, वेंडर से पेमेंट लेनी है, फॉरेक्स में ट्रांजेक्शन करना है, ट्रेडिंग करना है, एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑनलाइन। दिस इज फिनटेक। द फिनटेक started as a small mobile payment when it was started, but it has grown into the vibrant and diverse market. In the fintech, generally we use technology and provide the financial services to the world. The fintech technology, if we describe the financial services with the predominantly technology driven and applying technology to improve the financial services. Now we are in the revolutionary market where we have seen heavy penetration of smartphone, access to technology has become extremely affordable. Har bande ke haath mein, after Jio if you see, har vyakti ke haath mein chota se chota koi labor class ka bhi hai uske paas bhi ek Android phone hoga. To aap dekh sakte hain reach kitna zyada badh gaya hai. Broadly agar hum cover karte hain ki fintech mein kya cover hai, क्या चीजें होती हैं? सो इट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी लाइक इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, QR बेस्ड पेमेंट फ्रॉम ए स्मार्टफोन और POS, बाय पासिंग ए बैंक टू अप्लाई फॉर लोन। इफ यू वांट टू रेज मनी यू कैन बी अ फिनटेक फॉर स्टार्टअप, मैनेजिंग योर इन्वेस्टमेंट और एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। फिनटेक fundamentally changed the way in which financial अनुरोध जी, आपकी ना पीपीटी मूव नहीं कर रही है, आपकी पीपीटी जो है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है सर, मैंने सारा अभी फर्स्ट पेज ही दिखाया कि लोगों को सुनना है, अभी फर्स्ट स्क्रीन ही दिखा रहा, ओके ठीक। यस यस यस। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये फिनटेक जो लॉ है, फिनटेक का जो सिस्टम है, उसको लीड कौन करता है या रेगुलेट कौन करता है? सो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, FSB से बोलते हैं, दिस इज अ इंटरनेशनल बॉडी जो कि मॉनिटर करती है और रिकमेंड करती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कैसे होना चाहिए। इसने 5 चीजें बताई है फिनटेक के लिए कि मेजरली हम फिनटेक में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज पेमेंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, देन डिपॉजिट lending and the capital raising, further insurance, investment management and market support. For the A system जिसकी हम बात करते हैं, केन्या तंजानिया में एक कंपनी एम पैसा है, उसने बहुत अच्छा फिनटेक दिखाया था वर्ल्ड को। लाइकवाइज वी हैव अ वेरी गुड फिनटेक कंपनी नेम्ड, कोई गेस करना चाहेगा? पेटीएम। अभी उसका IPO भी आया था, लोगों ने भर भर के सब्सक्राइब भी किया उस IPO को। आप देखो कि पेटीएम क्या है, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज को उन्होंने बहुत सिंपल मॉडल में डिराइव कर दिया कि आप मोबाइल यूज करते हैं, सिंपल एक आप स्कैन करो या एक कोड डालो और आपका पैसा यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। यू कैन यूज इट थ्रू योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, एनी सोर्स यू कैन यूज। नाउ अब इससे सहयोग क्या हुआ, इससे इजी क्या हुआ? क्योंकि अगर इजी नहीं होगा तो लोग क्यों इसके पीछे जाएंगे? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाई स्टैंडर्डाइजेशन। एक चीज सेम प्लेटफॉर्म पे चल रही है, सेम रूट में चल रही है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी कोई ये प्लेटफॉर्म यूज करेगा सेम पैटर्न वो यूज करेगा।
User friendly. Is a dashboard. Improved customer experience and better service delivery. अब क्वेश्चन आता है कि सर ये सारी चीजें तो है, लेकिन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इसमें क्या देख सकते हैं? सर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर द एक्चुअली नो हाउ. आप ज्ञान का केंद्र हैं सर. यू नो व्हाट एग्जैक्टली द लॉ शुड बी, व्हाट आर द कंप्लायंस बिहाइंड एनी ट्रांजेक्शन, हाउ आरबीआई रेगुलेट दिस, हाउ पेमेंट इज बींग डन, पेमेंट के पीछे उसका सेटलमेंट अगर आपको करना है तो कैसे होगा. सो यू कैन प्ले योर रोल फ्रॉम डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम टू द कंप्लायंस लेवल. अगर फिनटेक कंपनी है, पेमेंट लेन देन करती है, तो उसे कस्टमर का केवाईसी करना होगा. केवाईसी कैसे वैलिडेट होगी, किस तरह की केवाईसी आपको लेना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो एएमएल की गाइडलाइन है वो कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ट्रांजेक्शन डिजाइन तो हुआ लेकिन कंट्रोल्स उसमें क्या है कि कोई फ्रॉड ना हो सके, अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उससे आपको कैसे डील करना है, सिस्टम में क्या फ्लॉ है जो कि आपको टेस्टिंग करना है, आपको चेक करना है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आपको बनाने हैं. सो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द कंप्लायंस लेयर, आई नॉट से टू द एंड, एवरीथिंग इज इन योर किटी इन दिस फिनटेक. कुछ कंपनीज के अगर मैं नाम बताऊं, जैसे आपको मैंने भी पेटीएम की मैंने बात की, लाइक इंस्टामोजो, रिजर्व पे, पॉलिसी बाजार, जस्ट मनी, पाइन लैब, लेंडिंग कार्ड, ये सारे कंपनीज है. अगर कोई कंपनी आपको ऑनलाइन लोन दे रही है तो उस लोन के डॉक्यूमेंट्स भी तो आपको आरबीआई की भी पॉलिसी है, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या नॉर्म्स है उस कंपनी को. अब एक और चीज मैं शेयर करता हूं, अगर मैं एक लेंडिंग कंपनी स्टार्ट करता हूं, मैं लोन देना शुरू करता हूं, तो मेरे दिमाग में तो आ गया कि लोन देना है, बट मेरा रिस्क कैसे सिक्योर होगा ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बता पाएगा कि जब आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे होंगे तो आपको क्या डॉक्यूमेंट कस्टमर से मंगाना है, कहां पे साइन कराना है, क्या वेरिफिकेशन करवाना है, अगर मैनुअली भी कुछ चाहिए होगा तो क्या चीजें आपको करनी होंगी. ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन गाइड बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ इच एंड एवरी लॉ. कॉर्पोरेट, अगर आप कॉर्पोरेट लॉज की बात करें, वो कंपनी अपनी उसने फॉर्म किया होगा तो उसके क्या, जैसे अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में उसे कौन से रेगुलेशन फॉलो करने होंगे. सो दीज थिंग्स एवरी फिनटेक कंपनी इज लुकिंग, एंड अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन हैव द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द फिनटेक बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल ग्रो ओवर द पीरियड. ऑडिट खत्म हो सकता है कि स्टेट ऑडिट खत्म हो जाएगा, लेकिन आईएफसी अगर इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं या इंटरनल कंट्रोल्स की बात करते हैं, एसओपी डिजाइन की बात करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग की बात करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा. सो यू हैव टू चेंज द वे ऑफ थिंकिंग. इंस्टीट्यूट ने डीसा प्रोग्राम कराया है, आप जब फाइनल के एग्जाम दे रहे होंगे तो आपने वहां पे भी इसका पढ़ा था. आप सीसा कर सकते हैं, आप और भी इंटरनेशनली बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि करके अपना आईटी का नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस में किया नया विंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट फिनटेक. आई विल नॉट गो सो लॉन्ग ऑन फिनटेक. फिनटेक तो एक ऐसा टॉपिक है कि 2 घंटे 3 घंटे भी इसी में खत्म हो जाएंगे, बट आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डिस्कस. नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हेन आई गो फॉर ऑडिट, मैं मारुति का मैंने प्लांट देखा था जब मैं ऑडिट पे गया था, सो आई हैव सीन रोबोटिक्स कि वहां पे रोबोट सारा काम कर रहे हैं. मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने सिस्टम देखा. सो व्हाट एग्जैक्टली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाता हूं तो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसको एक लैंग्वेज ड्राफ्ट करके सिस्टम में डाल दिया जाता है और वही सिस्टम में जो हमारा एक्सपीरियंस जाता है उसी के हिसाब से जो प्रोसेस होती है, जो काम करता है, जो आउटपुट वो देता है, द सिस्टम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अबाउट द इनकम टैक्स असेसमेंट्स. आज क्या होता है, आप एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो सिस्टम अपने आप बता देगा कि एक प्रोसेस आपने एंटर की तो अगला आपको क्या डिटेल डालनी है.
फॉर्म 16 अपलोड करना है या फॉर्म 16 आपने अपलोड कर दिया और उस फॉर्म 16 में अगर आपने जो डिडक्शन है वो गलत डाली हुई है, तो वो वही आपको ब्लिंक करेगा, बोलेगा कि आपने जो वहां पे डाली हुई है या जो लॉ में अलाउड है और जो आपने डाली है, दोनों में फर्क है। ऐसा किसने उसे बताया? ऐसा हमने उसे बताया एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग कि लॉ सेज कि ये डिडक्शन लेट से 80C में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड द टैक्स पेयर इज पुटिंग द नंबर एज 1,80,000 विच शुड नॉट बी अलाउड और विच शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000। हम असेसमेंट की बात करते हैं, हमें केस लॉस चेक करना होता है, तो हम एक सिंपल कमांड देते हैं अपने सिस्टम को कि 148 से रिलेटेड कौन से केस लॉस थे। आपको जितने लाखों की करोड़ों की संख्या में जितने केस लॉस होंगे सारे आपको एक लाइन से दे देगा। स्पेसिफिक इश्यू से रिलेटेड अगर आप बोलेंगे, रीओपनिंग से रिलेटेड अगर आप एक कमांड उसको देते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने केस लॉस होंगे आपको लाके दे देगा। सो थिंग्स आर चेंजिंग। अब आपको मैनुअली चीजें नहीं करनी है, आपको अपने तरीके को चेंज करना है। आई हैव सीन सो मेनी सिस्टम एट द टाइम ऑफ ऑडिट वेयर द ऑर्डर इज बीइंग गिवन बाय द सिस्टम। उनका एक इन्वेंट्री का लेवल है, अगर वो इन्वेंट्री का लेवल उस लेवल से कम होता है, लेट से अगर मैं बोलता हूं कि 5 मिलियन टन इन्वेंट्री होनी चाहिए, अगर उससे कम होती है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है वो रिस्पेक्टिव वेंडर के पास चला जाएगा। आई हैव सीन द सिस्टम जहां पे एक डेटर का लेवल है कि डेटर को 45 डेज हो गया, 45 डेज में अगर पेमेंट नहीं आई है उससे 10 दिन पहले से फॉलोअप की मेल जाना स्टार्ट हुई। जो मेरे कस्टमर हैं, क्रेडिटर हैं, उनसे हमारे पास आना शुरू हो जाती है। सो दिस इज द सिस्टम। अब कुछ ही से बोलेंगे कि इससे तो सर हमारा काम खत्म हो रहा है। सर आप बिल्कुल प्लेन वनीला फ्लेवर देखेंगे तो आपके काम खत्म हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा बढ़ के देखेंगे तो आपके लिए काम आ भी रहा है। लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज आर कमिंग, जैसे कि आप क्लियर टैक्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं, कंप्यूटेक्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं, टैक्समैन का देख सकते हैं। हर कंपनी में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉलेज बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही दे सकता है। जो उसकी टेस्टिंग है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है, उसको वेरीफाई चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। ओवर द पीरियड अगर कुछ फ्लॉ उसमें आता है, लूपहोल निकल रहा है, उसे ठीक करने का काम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। अगर कोई जीएसटी का सॉफ्टवेयर डील कर रहा है और जीएसटी में चेंज आया, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा कि ये चेंज आ गया, इसकी ये इंप्लीकेशन इस जगह पे होगी, आपको यहां यहां पे सिस्टम की कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द एरिया यू शुड लुक फ्रॉम द एआई फ्रंट, द डेवलपमेंट ऑफ टैक्स यूटिलिटीज। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी काम कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं, आप सीपीसी के लिए काम कर सकते हैं, आप टैक्स डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें जो कंपनीज है उनके लिए भी काम कर सकते हैं, एंड इवन यू कैन स्टार्ट योर ओन सॉफ्टवेयर सर्विसेज एज वेल बिकॉज यू हैव एवरीथिंग। देन एनालिसिस ऑफ क्रेडिट रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग रिसीवेबल, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था। आई वुड सजेस्ट वन सिस्टम, देर इज सिस्टम कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग, कि मेरा कोई क्रेडिटर या मेरा डेटर है, मैंने उसको माल बेच दिया एंड आई हैव गिवन 45 डेज क्रेडिट पीरियड और द 60 डेज क्रेडिट पीरियड, बट आई वांट फंड इमीडिएटली। देयर आर अ लॉट ऑफ सिस्टम व्हिच सेज दैट यू कैन सिंक योर ईआरपी विद माय सिस्टम, वेयर ऑटोमेटिकली योर बिल्स कम टू अवर प्लेटफॉर्म एंड दीज बिल्स विल बी डिस्काउंटेड बाय अवर पार्टनर्स और अवर इन्वेस्टर एंड यू विल गेट द मनी। इससे क्या हो गया, आपके जो वो वेटिंग टाइम है वो खत्म हो गया, कॉस्ट बिल्कुल कम हो गई, आपको अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू विल सिंपली गिव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन एंड यू विल गेट द पेमेंट इमीडिएटली। देन हाउ यू कैन यूज दिस एआई, यू कैन क्रिएट योर ओन मैक्रो, यू कैन डेवलप योर ओन सिस्टम फॉर इवेल्युएशन ऑफ इवन बैलेंस शीट और ऑडिटिंग सब्जेक्ट्स। Like, if you want to analyze the movement of inventory item wise, if you want to check what inventory we need to check where there is no movement since last 4 year or 5 year,
if there is no movement in the inventory, then I need to ask from management to classify these inventories the slow moving or non-moving category, and accordingly provisions should be made in the financial statement. So you don't need to do it manually, but you will have to develop a system that is called artificial intelligence, where you give some kind of command and through which you will get the result. Then automation business process. सीए प्रैक्टिस में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, आज भी लोग फाइलें मेंटेन करते हैं, रजिस्टर में एंट्री करते हैं, और बड़ा लंबा सा प्रोसेस होता है. बट नाउ इट्स टाइम, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मान लो दो दिन के लिए पूरे दिल्ली में लाइट बंद हो जाए, कितने लोग हैं जिनके पास जनरेटर होगा या डीजी सेट होगा? आपका काम बंद हो जाएगा. बट अगर आपके पास बैटरी बैकअप है और जिस एरिया में लेट से आपका ऑफिस है, अगर वो एरिया सील कर दिया जाता है, तो आप घर से काम करेंगे कैसे कर सकते हैं? अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने डेटा को क्लाउड पे रखा हुआ होगा, देन यू एंड योर स्टाफ कैन एक्सेस दैट डेटा फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. यू कैन प्लेस योर सिस्टम, अगर मैं टैली की बात करूं या बीजी की बात करूं या ईआरपी की बात करूं या फिर मैं फिनटेक सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटेक्स हो गया, टैली हो गया, इन सब को आप उस प्लेटफॉर्म पे रख के किसी भी लोकेशन पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं. इवन हम अपने स्टाफ को बोलते हैं कि आप अपने क्लाइंट प्लेस पे रह के हमारा डेटा वहां से एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज वी हैव गिवन सम लॉगिन क्रेडेंशियल. वन मोर थिंग विच यू नीड टू इम्प्लीमेंट, जब आपका अपना सिस्टम होगा, अपने क्लाइंट को एक आप यूजर आईडी और पासवर्ड दे सकते हैं, जहां की आपके जो ऑडिट का डेटा है वो आपके सिस्टम पे क्लाइंट खुद ही अपलोड कर देगा. And then you can see. Next, अक्सर हमें ट्रैक करने में कि हमारा स्टाफ क्या कर रहा है बहुत मुश्किल होती है. हमने किसी स्टाफ को क्या काम दिया था, एक हफ्ते बाद हम भूल जाते हैं. बट इफ यू प्रिपेयर अ डैशबोर्ड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपको नॉक करके बताएगा, एक अलर्ट बताएगा कि आपने एक हफ्ते पहले ये काम दिया था जिसकी डेडलाइन ये है, लेट्स से डेडलाइन 31 दिसंबर है और उस क्लाइंट का अभी तक डेटा भी नहीं आया है. अगर एक ऐसा सिस्टम आप डेवलप कर लेते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को टाइम से पहले सेटिस्फाई कर देंगे, अच्छी डिलीवरी देंगे, और आपका अच्छा कंट्रोल होगा अपने स्टाफ पे. लेट अस टॉक ऑन द बिलिंग पार्ट. हम कई बार होता है काम कर देते हैं, अपने क्लाइंट को बिलिंग नहीं कर पाते. उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ट्रैक करके बताएगा कि इस क्लाइंट का काम अब इस टाइम पे आया था, लेट से जनवरी में आया था, मार्च में काम कंप्लीट हो गया, आज सितंबर हो गया, लेकिन आपने बिलिंग क्यों नहीं किया? तो आप बिलिंग करो. फिर बिलिंग के बाद वो ये भी बताएगा कि बिलिंग तो आपने कर दिया था, लेकिन आज तक 3 महीने हो गए, वो पेमेंट नहीं आई. सो यू कैन डेवलप अ सिस्टम थ्रू विच विद इन अ सिंगल क्लिक यू कैन गिव रिमाइंडर टू योर क्लाइंट कि आपकी पेमेंट पेंडिंग है. सो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप काम कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने यूज आपको अपनी फर्म के लिए भी बताया. लाइकवाइज जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, डेटा मैनेजमेंट का, देन रिकंसिलेशन, देन कंसोलिडेशन, एवरीथिंग कैन बी इंप्लीमेंटेड एट योर क्लाइंट प्लेस. जस्ट यू नीड टू गिव सम एफर्ट, यू नीड टू पुट सम एफर्ट. आप अपना एफर्ट करके अपने क्लाइंट को सजेस्ट करके ये चीजें ऐड करा सकते हैं, जिसकी बहुत अच्छी फीस आपको मिल सकती है. इवन यू कैन टाई अप विद द कंपनीज हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डेवलप सम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर लाइक सैप, बैंक, इवन फॉर टैली. इन कंपनीज के साथ भी आप टाई अप कर सकते हैं कि आई विल बी द स्ट्रेटेजिक पार्टनर, आई विल गिव यू नॉलेज which is actually required for any fintech, और आप अच्छी खासी अमाउंट वहां से ले सकते हैं. For small scale practitioner, अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी एक नया सिस्टम डेवलप करवा सकते हैं with the help of IT guy. अक्सर हम ये सोचते हैं कि सारा काम हम खुद ही कर लें, but now the time is where you need to go for the specialization. You cannot be the master of everything, but for particular one subject. मैं बोलता हूँ आप मास्टर्स हर चीज में हो सकते हैं, लेकिन उस हर चीज में से कैसे एक सब्जेक्ट. जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं सिर्फ जीएसटी देखता हूं, तो सिर्फ जीएसटी में मुझे लिमिटेड होना चाहिए. अब मुझे ये नहीं करना चाहिए कि मैं जीएसटी भी देख रहा हूँ, इनकम टैक्स भी देख रहा हूँ, आईबीसी भी देख रहा हूँ,
और डीआरटी के भी केसेस देख रहा हूँ और ऑडिट तो मैं कर ही रहा हूँ, सब कुछ एट सिंगल बकेट। ऐसा आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपने कस्टमर को जो वैल्यू एडिशन है वो नहीं कर पाएंगे, एंड यू कैन नॉट रिटेन अ क्लाइंट इफ यू आर नॉट गिविंग द वैल्यू एडिशन टू देम। देन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लॉकचेन, जो मैंने आपको फिनटेक बताया था, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, इन सब में आपके पास ऑडिट का, सिस्टम डिजाइन का, सिस्टम टेस्टिंग का, आईएफसी की, ये सारी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ओवर द पीरियड अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है या आपने नॉलेज को एनहांस कर लिया, देन यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकचेन, जैसा मैंने एक कैश डिपॉजिट का एग्जांपल आपको दिया था कि कैश डिपॉजिट कैसे होता है, कि हम लाइन पे लगे थे और हमने जाके मैडम को दिया, मैडम ने एक पर्ची दिया, एक चेक डिपॉजिट का आप एग्जाम्पल लीजिए, फिर वो मैडम सिस्टम से साइन वाइन वेरीफाई करेगी, फिर वो दूसरी मैडम को देगी, दूसरी मैडम चेक करेगी, अच्छा यही है, ओके, फिर फंड सफिशिएंट है, ओके, तब वो जाके आपके सिस्टम में डालेगी और वो क्लियर होने में भी 1 से 2 दिन लगेंगे। तो आप देखो कि एक ट्रांजेक्शन होने में कितना टाइम गैप है। इन द केस ऑफ ब्लॉकचेन ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपको लगभग रियल टाइम में ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, डायरेक्ट बीच में कोई सेंट्रल बॉडी है ही नहीं रेगुलेट करने के लिए। मुझे पेमेंट करना है, गुप्ता जी को पेमेंट मिलना है, हम और गुप्ता जी ने आपस में ट्रांजेक्शन कर लिया। एक खास बात फिनटेक ब्लॉकचेन की ये होगी कि यहां जो ट्रांजेक्शन आपका हो गया, जो एंट्री आपकी हो गई, वो रिवर्स नहीं हो सकती, चेंज उसमें पॉसिबल नहीं, अनटिल अनलेस कि ब्लॉकचेन में जितने ब्लॉक्स हैं वो सब में आप चेंज करोगे, जो कि पॉसिबल नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक आपके पास, अब कुछ लोगों को ये रहेगा कि जैसे सब लोग कनेक्टेड है, ब्लॉकचेन इज व्हाट, एक कंप्यूटर्स का, एक सिस्टम का, एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में बहुत सारे पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, किसी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए मोर देन 50% पार्टनर्स उसे अप्रूव करेंगे, तब वो ट्रांजेक्शन अप्रूव होगा। तो अगर कोई बंदा चाहे कि मैं उस सिस्टम को हैक कर लूं और अपने बस सिस्टम से उसे अप्रूव कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं। अगर आपने कोई कमांड एक सिस्टम के लिए दी, लेट से अगर आपने अनिरुद्ध तिवारी से, अनिरुद्ध तिवारी एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि गुप्ता जी को पेमेंट करनी है, और साइड से भरद्वाज जी बोल रहे हैं कि नहीं, वो गुप्ता जी को नहीं, भरद्वाज जी को पेमेंट करनी है, तो जो उसमें, उस नेटवर्क में जितने लोग रहेंगे उसमें से मेजोरिटी जो है वो बोले कि नहीं, ये तो अनिरुद्ध ने गुप्ता जी के लिए पेमेंट डायरेक्ट किया है, तो वो पेमेंट गुप्ता जी को ही जाएगी, भरद्वाज जी को नहीं जाएगी। अगर भरद्वाज जी चाहते हैं कि उस वो पेमेंट उधर रूट करे, तो उन्हें मोर देन 50% सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, हाईजेक करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सारे अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे है, आप उन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फीचर की अगर आप बात करते हैं, उसमें दो चीजें होंगी, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। आप अपना कोड देंगे दूसरे को, आईडी देंगे दूसरे को, लेकिन उसका पासवर्ड आपके पास है, जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे आप उस चीज को नहीं देख पाएंगे, या किसी और के पास पासवर्ड अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो वो डिटेल कोई दूसरा बंदा नहीं देख सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। दिस सिस्टम हैज बीन यूज्ड एंड टेस्टेड बाय वेरियस अथॉरिटीज, नेस्डेक ने भी इस सिस्टम को चेक किया है ई वोटिंग के लिए, ये सिस्टम ब्लॉकचेन का बजटिंग फोरकास्ट के लिए यूज हो सकता है, इंटर कंपनी रिकंसिलेशन, क्योंकि ये जो इंटर ट्रांसफर होंगे तो जो ट्रांजेक्शन होते हैं इंटर कंपनी, सेम एंटिटी के दो ट्रांजेक्शन को मर्ज करके एक करेगा, फालतू की चीजें इलिमिनेट कर देगा, फाइनेंशियल ऑडिट, क्योंकि ब्लॉकचेन में रियल टाइम आपका ट्रांजेक्शन होगा, तो आप क्वार्टरली और एनुअल ऑडिट का आपके पास टाइम नहीं, रियल टाइम आपको डेली ऑडिट करना पड़ेगा, वेंडर मैनेजमेंट, शेयर होल्डर वोटिंग जो मैंने बताया, वेंडर मैनेजमेंट बहुत ही सिक्योर हो जाएगा इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। कैसे? आपने एक वेंडर की सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट की, डिटेल आपने डाली, वो आपका वेंडर वहीं पे फिक्स हो गया। अब इसके बाद उस वेंडर से जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो ऑर्डर होंगे, आपने पीओ दिया, वो सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली मैच करेगा, मैच करके देगा, ये वही वेंडर है ना जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने पीओ दिया था और आपको अगर डिलीवरी नहीं आ रही है, वो भी मैच करके देगा कि कहां पे पेंडेंसी है, पेमेंट
बीच में पेमेंट रिकंसिलेशन की अगर आप बात करते हैं तो कोई पेमेंट को रूट चेंज नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही सिक्योर ब्लॉकचेन का नेटवर्क है। इवन पता नहीं इंस्टीट्यूट का जो वोटिंग सिस्टम है उसमें भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। मे बी हम अगले 10 साल 15 साल में इस चीजों को देखें, क्योंकि यहाँ पे एक अगर वोटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो अगर मैंने वोट डाला है तो मैं देख पाऊंगा कि मेरा वोट काउंट हुआ है या नहीं हुआ है, या मेरा वोट इनवैलिड तो नहीं हो गया, ये चीजें मैं देख पाऊंगा अगर मैंने डाला। अभी सिस्टम की आप बात करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि मेरा वोट इनवैलिड हुआ है या नहीं, बस ये बता दिया जाता है कि टोटल 500 वोट पड़े थे जिसमें 50 वोट जो है वो इनवैलिड है। सो दिस इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें आप डिजाइनिंग की बात करें, ऑडिट की बात करें, सिस्टम डेवलपमेंट की बात करें, नेटवर्क पार्टनरशिप की बात करें, बहुत सारे स्कोप है यंग जनरेशन के लिए, या फिर गुप्ता जी जैसे एनर्जेटिक लोग जो हैं, जो कि बहुत अच्छा काम अभी भी करते हैं, ओवर द पीरियड करते रहेंगे, जो कुछ नई चीजें सीखते रहेंगे, उनके लिए हमेशा लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज रहती है। नाउ कमिंग ऑन द क्रिप्टो, सो द क्रिप्टो इज बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। अब इस क्रिप्टो में कैसे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? रिसेंटली हमने सुना कि क्रिप्टो के लिए एक नया बिल आया जा रहा है। क्रिप्टो में आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो कोई रेगुलेटर नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनकी क्रिप्टो करेंसी है। यह भी बोला गया कि रिलायंस भी अपनी क्रिप्टो लेके आ रहा है, RBI अपनी क्रिप्टो लेके आ रहा है, तो किसके क्रिप्टो करेंसी, किसके बिटकॉइन चलेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लॉ आएगा, अब इसमें मैं तो बात करूंगा कि मेरी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी क्या है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। So being a chartered accountant, the master of law and the finance, we can say that we can guide government of India. We can give consultation to RBI that what kind of rules you need to make, what kind of SOPs you need to prepare, or what kind of regulation you need to implement to validate this currency, to control and to monitor the currency and the flow. As a finance professional, आपके लिए पास ये opportunity है। As of now, if you talk about the accounting procedure, sir, हमें ये नहीं पता है कि crypto की accounting कैसे करनी है। No any accounting standard or the Indians deal with the Bitcoin or the cryptocurrency. There is a question, ये बोला जाता है, whether the cryptocurrency is considered as cash and cash equivalent, or it can be a financial asset or investment, or it should be classified as property, plant and equipment, or the investment property, or inventory or intangible asset. So as of now, we don't have any accounting standard to deal with this. So being a professional, you can support Institute of Chartered Accountants of India to draft accounting standard or to update the accounting standard where the crypto can be added, how to recognize the revenue, what exactly the valuation will be, kyunki aap dekhoge ki isme bahut sare change hote hain, to kya ise share ki tarah treat kiya jayega ya nahi. I will give you a few example jo ki crypto mein main aapko batata hu. अकाउंटिंग का डिलेमा जैसे मैंने आपको बताया, इसमें दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, एक टेक्निकल रेफरेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, दूसरा इवैल्यूएशन का. लेट अस टेक टू और थ्री एग्जांपल्स. जैसे कि इंड एएस 13 बोलता है, जो करेंसी के लिए बोलता है, करेंसी मतलब कैश, वो बोलता है करेंसी इज अ फाइनेंशियल एसेट बिकॉज इट रिप्रेजेंट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इज देयरफॉर the basis on which all transactions are measured and recognized in financial statement. Now, AS3, para 6 of AS3 bolta hai, cash equivalent are short term, highly liquid investment that are readily convertible to known account of cash and which are subject to insignificant risk of change in value. Now, ये दोनों इंडियस और एएस की मैंने बात बताई, अब आप इसे इवेल्युएट कीजिए. इंडिया में अगर आप बात करते हैं, टिल नाउ क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट यूज्ड एज अप्रूव्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एनी गुड्स और एनी सर्विसेज.
There are entities in India who accept payment in cryptocurrencies. However, it is not widely acceptable as a medium of exchange, क्योंकि इसका legal tender ही नहीं है, इसीलिए इसे consider नहीं किया जा सकता। अब इसमें issue क्या आता है? Because cryptocurrencies are subject to significant price volatility. Because of it, does not fit into the definition of cash and cash equivalent. Likewise, जब आप definition देखेंगे कि इसे financial instrument में लिया जाए या नहीं लिया जाए, plant and PPE, property, plant and equipment की definition आप देखेंगे standards में, तो आप देख पाएंगे, या फिर investment की आप definition में देखेंगे, या valuation of inventory देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अभी कोई भी स्टैंडर्ड इसको कवर नहीं करता। तो सर, जब स्टैंडर्ड इसे कवर नहीं करता और अगर ये प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएगा इतने वॉल्यूम में, तो हम कैसे हैंडल करेंगे? सो हियर यू कैन सी द अपॉर्चुनिटी कि आप अपना रिसर्च और एनालिसिस करके क्या सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द मास्टर। इफ One of my friend is master in the standards of auditing or standards of accounting, then he can give some input how to deal with this. If one of my friend is very good on the risk advisory, he can give the input how to monitor, how can place the control. If one of my friend is very good on the valuation, then he can suggest what should be the valuation, how to evaluate the value of this currency. If one of my friend is very good on the standard of auditing, he can suggest what are the steps or what are the area, critical area, where you need to give or you need to be more diligent at the time of auditing of Bitcoin or cryptocurrency. So lot of areas are coming in next 5 to 10 years. You can see the drastic change in the financial market, in the financial profession. So you need to work hard, you need to evolve the new things where you can practice, and these are the area where no one can beat. There is no any competition. आप मुझे बताइए कि अपने professional friends में से कितने लोग हैं जो कि इन चीजों में अभी भी deal कर रहे हैं? आप एक या दो लोग बस आपको मिलेंगे। तो आप देखो level of competition क्या है? नहीं है। So start thinking from this end, start something new, which will be with you till the last time you think ki main kitna lamba kaam kar sakta hu. Nobody will be there to compete. Now, ye thoda technology se related kuch cheeze thi jo maine aapko batayi. Isme aapka kuch agar aur input hoga, so most welcome. I will consider your input over our next session. Now moving further. स्टार्टअप एडवाइजरी। अब सर, आप स्टार्टअप एडवाइजरी की बात करते हैं, कोई मुझे अगर चैट बॉक्स में बताना चाहे या ऑडियो में बताना चाहे, स्टार्टअप एडवाइजरी में आप क्या क्या कर सकते हैं? एनीबडी? आप सर अगर स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप इज व्हाट आई टोल्ड यू इनिशियली कि किसी के दिमाग में कुछ थॉट आया, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं एक बत्ती जलती है कि यार हम ये भी कर सकते हैं, या अगर हम इस चीज को ऐसे रिजॉल्व करें तो दुनिया की तो काफी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जैसे मैंने फिनटेक की आपको बात बताई थी। तो उस आइडिया को एक्चुअली बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जो रोल आता है वो आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, बिकॉज यू गाइस आर द मास्टर हु कैन गाइड योर क्लाइंट एंड यू कैन हेल्प योर क्लाइंट टू एस्टेब्लिश देयर एंटिटी, टू स्टार्ट देयर बिजनेस, टू एग्जीक्यूट देयर बिजनेस। कैसे? पहला स्टेज आता है कि आपको एक एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करना है। So what should be the entity, whether it should be the proprietorship or partnership or LLP or private limited or limited, public limited, kaisa institution hona chahiye? How to start with? You can give suggestion to your client along with the pros and cons for each and everything.
you can suggest your client what should be the right approach to start with. Once you will done with the incorporation, then the next step comes our registration part. अगर वो फिनटेक में है तो उसे आरबीआई में क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसे आईईसी लेना पड़ेगा या कोई और भी प्लेटफॉर्म है जहां पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा. तो रजिस्ट्रेशन, अगर वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों में या फैक्ट्री लगा रहा है तो उसे लेबर लॉज की कंप्लायंस करनी है, इन्वायरमेंटल लॉज की कंप्लायंस करनी है. मेडिकल फील्ड में है तो ड्रग लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा. तो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन उसको जरूरी है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, उसे बस ये पता है कि मेरे को बिजनेस करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसे ये नहीं पता क्या हर्डल्स आएंगी, कैसे उनसे बाहर आना है. यू विल बी द पर्सन टू सपोर्ट योर क्लाइंट टू कम आउट ऑफ दिस इश्यूज. पोस्ट दैट जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आप कंप्लायंस में सपोर्ट करेंगे. देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज फंडिंग. कोई भी स्टार्टअप है वो तभी सक्सेस हो सकता है जबकि उसको उसको टाइम पे, रिक्वायर्ड टाइम पे जब उसकी जरूरत है उसको क्रेडिट सपोर्ट मिल सके. स्टार्टअप के पास कुछ इतना 90% चांसेस तो यही है कि उसके पास कोई बैकबोन नहीं है. अब वो अगर डेट फंडिंग के लिए जाता है तो इतनी इंटरेस्ट कॉस्ट उसको हो जाएगी कि वो पहले ही सर पकड़ के बैठ जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा. दैट इज वाई यूजुअली इन केस ऑफ स्टार्टअप द बिजनेसमैन लुक फॉर द इक्विटी फंडिंग, इक्विटी इन्वेस्टर. सो हियर यू कैन गेट सिनर्जी एंड यू कैन फाइंड द गुड इन्वेस्टर एंड यू कैन सजेस्ट दैट इन्वेस्टर टू योर क्लाइंट एंड इन बिटवीन यू कैन चार्ज योर एडवाइजरी फीस. When investor will come, he will definitely ask about the valuation of your company or the startup you are referring to. At that time, opportunity comes for the valuation of business. So you need to value the business and then that valuation report will be referred by the investor and then basis that valuation, he will be putting equity to the business. Then, presentation of financials and projections. Apart from valuation, you need to give other presentations where you will give the future prospect. Like if you talk about the fintech, you will give the customer base. Kis kitna bada business customer base rahega, kis level ka rahega, kis age group ka rahega, kya revenue generate karenge, product over the period kaise evolve hoga, kya nayi cheeze aa payengi. So ye sari cheeze ho sakta hai businessman utna दिमाग ना हो कि वो खुद से कर सके. एंड आई कैन श्योर यू कि ये सारी चीजें बिजनेसमैन एक प्रोफेशनल से ही करवाता है. सो अपॉर्चुनिटी, इफ यू हैव दैट मच कैलिबर द कैपेबिलिटी एंड यू हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू डील विद ऑल दीज थिंग्स, देन यू कैन रिटेन दैट क्लाइंट फॉर द लॉन्ग टर्म. आफ्टर फंडिंग एंड वैल्यूएशन, if your business has evolved over the period aur aapko lagta hai ab iska ipo bhi aana hai, so you can be the merchant banker. aap merchant banker ke sath collaborate karke jo usko services hai ipo ki, wo aap apne client ko dila sakte hain. aur ek baat sir yaad rakhna, jis professional ne paise apne client ko dilaye hai na, us professional se wo client kabhi bhi dur nahi jata, kyunki वही तो एक ब्लड है बिजनेस का, उसी की वजह से तो बिजनेस चलता है और आपने वहीं पे सपोर्ट किया है. नाउ पेरोल एंड अकाउंटिंग रिलेटेड कंप्लायंस. अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि सर हम टीडीएस करते तो हैं, सर इसमें पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, लेबर लॉ, सर इतने सारी चीजें होती हैं, हम छोटा मोटा कर लेते हैं अपने क्लाइंट का. नहीं सर, छोटा मोटा नहीं करना, बड़ा करना है. कैसे सर? जो स्टार्टअप्स होते हैं या बड़ी एमएनसीज होती हैं, दे यूज टू आउटसोर्स ऑल दीज एरियाज टू अ प्रोफेशनल.
वो ये नहीं चाहते कि हम अपने यहाँ 50 लोगों का स्टाफ सिर्फ इसी काम के लिए रखें, कि वो लोगों का पेरोल बनाए, एचआर की बहुत बड़ी टीम हो जो कि इन सब चीजों से डील करे. सो दैट इज वाई दे यूज टू इम्पैनल सम ऑफ द प्रोफेशनल और दे आउटसोर्स देयर दिस विंग टू सम प्रोफेशनल, जहां पे आप एक प्रोफेशनल के पास 400-500 जो इम्प्लॉयज होते हैं उनका पूरा मैनेजमेंट होता है. उन्हें उनकी आईटीआर भी करनी है, उन्हें उनका पीएफ भी जमा कराना है, ईएसआई भी कराना है, प्रोफेशनल टैक्स भी कराना है, फॉर्म 16 भी जमा करना है, टीडीएस रिटर्न भी करवानी है, सारा कुछ काम उन्हें मिलता है. सो ट्राई टू फाइंड द क्रीम क्लाइंटेल, जहां पे अच्छे लेवल का आपको काम मिल सके, आपको बार्गेनिंग ना करनी. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी. सो यू कैन नॉट बी द प्रोफेशनल फॉर दिस फर्म इफ यू आर अ प्रोपराइटर और 2 or 3 पार्टनर. आपको टीम दिखानी पड़ेगी. अगर आपको 500 लोगों का काम करना है तो कम से कम 50 से 100 लोगों की टीम दिखानी पड़ेगी कि यस वी हैव कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू डील विद दिस असाइनमेंट्स. If I am an individual, और मैं बोलूं कि मैं अकेला हूं, मैं कर लूंगा, अगले को पता होगा यार कैसे कर पाएगा ये, मुझे तो काम देके फंसना ही है, तो इससे अच्छा नहीं देते हैं. तो आप देखोगे जब आप लार्ज कॉर्पोरेट पे डील कर रहे होते हैं तो आपसे वो आपकी प्रोफाइल मांगते हैं, आपसे प्रेजेंटेशन करवाते हैं, एंड वेन यू गिव प्रेजेंटेशन सो दे यूज टू कॉल द हेड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, वो आपसे सवाल जवाब करते हैं. वंस दे आर सेटिस्फाइड देन दे गिव यू दैट असाइनमेंट, और वहां पे एक अच्छा प्रीमियम फीस भी आपको मिलता है. आप एक दो छोटे छोटे क्लाइंट का आप अगर पीएफ ईएसआई का करेंगे भी तो एक आपके लिए बर्डन ही होगा. एक तो आपका एरिया नहीं है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, फिर छोटी मोटी गलती हो गई आपको वकील साहब की मदद लेनी पड़ेगी. तो इसलिए आपको अभी गुप्ता जी का एक सेशन था नेटवर्किंग गाइडलाइन पे, तो आप देखो कि उन नेटवर्किंग गाइडलाइन को यूज करके आप अपनी फर्म को ब्रॉड कैसे कर सकते हैं, बड़ी फर्म्स के साथ मर्ज करके अपने आप को कैसे ग्रो करवा सकते हैं. सो दिस आर द एरियाज यू नीड टू लुक एट. देन आई सेड आई टॉक्ड अबाउट वैल्यूएशन. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन सीए भाई साहब वैल्यूएशन कर देते थे, लेकिन कंपनीज एक्ट में चेंज हो गया और अब बोला गया कि जो आईबीबीआई से रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही सिर्फ वैल्यूएशन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. तो अगर आपको 3 साल से ज्यादा हो गए हैं अपनी प्रैक्टिस में, आप वैल्यूएशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप कोर्स कर सकते हैं, वैल्यूअर बन सकते हैं और अच्छे अच्छे वैल्यूएशन कर सकते हैं. स्टार्टअप एक एरिया है, वो वैल्यूएशन का आप समझो हब है. आप गुड़गांव हो, बेंगलोर हो, ये स्टार्टअप के हब है. यहाँ पे आप देखो कोई भी कितनी सारी कंपनीज है, इतने नए स्टार्टअप आते हैं, उनको फंडिंग चाहिए होते हैं, वो वैल्यूएशन कराते हैं. एंड इफ यू आर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ओनली यू विल बी द पर्सन to whom everybody the startup will approach. और एक आपको लेवल मेंटेन करने करके चलना पड़ेगा. इसमें भी आप ऐसे मत कर देना कि 5,000-4,000 में भी आप कर रहे हो. सो डोंट गो विद दैट फ्लो. मेंटेन सम क्वालिटी, मेंटेन सम गुड डिलीवरी, और एक आप अच्छा लेवल अगर आप मेंटेन करेंगे सो यू विल गेट गुड क्लाइंटेल. देन आईबीसी और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा. वी हैव गुप्ता जी, ही इज मास्टर ऑफ दिस फील्ड, सो ही कैन बेटर गाइड यू. आई विल मूव ऑन एफएफडी फॉरेंसिक, और इफ यू वांट टू गेट मोर इनसाइट ऑन दिस फील्ड देन यू कैन गो फॉर द कोर्स सीएफई, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर. क्या होता है कि बहुत सारी एमएनसीज होती हैं जो इंडिया में भी ऑपरेशन कर रहे हैं, वो अपने सिस्टम का भी फॉरेंसिक ऑडिट कराते हैं, इंटरनली वो ऑडिट करवाते रहते हैं, और वो प्रेफर करते हैं जो सीएफई हो उससे ही हम कराएंगे, इंटरनल जो इंस्पेक्शन है या ऑडिट है. सो अपार्ट फ्रॉम द बैंक ऑडिट, क्योंकि फॉरेंसिक मैंडेटरी किसके लिए है कि अगर आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है देन फॉरेंसिक ऑडिट इज मैंडेटरी ऑन दैट केस. And after the pandemic, the amount of loan which has been given to the business industry, so maybe we can see more cases of NPA accounts in the next 2 or 3 or 5 years. So this scope will not be going down, but over the period, this will definitely go up. So don't see for the NPA accounts only, but also see what are the other area where you can give your services as an investigator. Or fraud examiner.
This is not limited to the bank NPA account, but you can give your services to CBI, to ED as well. जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, आउट देयर ऑल्सो यू कैन गिव योर सर्विसेस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर. सो आप और इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए, गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी आप मास्टर कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं. तो जितना आप आपके अंदर लर्न करने की इच्छा होगी, उतना ज्यादा आप सीख सकेंगे. और आज की जनरेशन, आज का एरा यही है कि जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हैं. देन वर्चुअल सीओ, अगेन आई विल टॉक अबाउट द स्टार्टअप्स और द एमएसएमई सेक्टर और एसएमई सेक्टर. सो मोस्ट ऑफ द एसएमईज आर not comfortable to pay huge amount to appoint a CFO, because if they will appoint CFO, they may be paying around 30 to 40 lakh rupee to CFO, but they might be not able to afford the amount. जो startup है वो initially अपनी account team ही build up नहीं कर पाता, तो वो क्या CFO को रखेगा. So this is the good opportunity for you as a chartered accountant. If you will be appointed as CFO, then you will be the employee of the company. But if you will be appointed as virtual CFO, then you will be the consultant to the company. What exactly the role of CFOs are? क्या करता है? Sir, budgeting, business planning, financing, discounting, expansion. कौन सा ऐसा एरिया है जो CFO के रूट के थ्रू नहीं जाता? इवन जो कंपनी का सीईओ होगा, जो एमडी होगा, वो भी एक अकाउंट डिवीजन के ऑफिसर से बात नहीं करेगा, बट फॉर एवरीथिंग ही विल कनेक्ट विद सीएफ ओनली. दैट व्हाट इज द पोजीशन. अगर आपके रियलाइजेशन में टाइम लग रहा है या क्रेडिट पीरियड ज्यादा हो रहा है, सो ही विल आस्क सीएफओ कि क्यों ऐसा हो रहा है. अगर आपके जो टर्नओवर है उसमें थोड़ा डाउन जा रहा है, डाउन फॉल है, तो आपसे पूछेगा भाई मार्केट डाउन है इसी वजह से है क्या, कुछ और एरिया है? अगर मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, देन व्हाई योर टर्नओवर इज डाउन. सो बीइंग अ वर्चुअल सीएफओ एट द सेम टाइम यू कैन बी अ वर्चुअल सीएफओ ऑफ सो मेनी कंपनीज, वेयर यू कैन सिट फॉर द ऑडिट डिवीजन, यू कैन सिट फॉर द इंटरनल कंट्रोल्स, यू कैन सिट फॉर द वैल्यूएशन, एवरीथिंग. हर जगह आप कंपनी को गाइड कर सकते हैं. Always try to keep it in mind that you are there to add some value, else you will not retain the position for a long run. Then RERA is again a wonderful opportunity. कैसे? आपको पता है कि कोई जो बिल्डर है, जैसे उसने 100 फ्लैट बनाने हैं, अब वो एडवांस बुकिंग का अमाउंट लेगा. सो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर? एडवांसेस लेगा, उसे खर्चे करेगा, लोन लेगा, बिल्डिंग बनाएगा, फिर 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में उसको डिलीवर करेगा. इफ यू रीड द रेरा, रेरा में एक ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट है. देर इज सर्टेन प्रोविजन, अगर आप रियल इस्टेट में डील कर रहे होंगे, आप स्टेट ऑडिट भी देख रहे होंगे या इंटरनल ऑडिट देख रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि जो फंड आता है एडवांस में, उसे सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है. कितना फंड आपको लेना है, कितना वहां से यूटिलाइज करना है, उसके क्या कंप्लायंसेस होंगे, क्या सर्टिफिकेशन देना होगा, ये सारी चीजें मैंडेट है, और वहां पे आपकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज निकलती है. बट रेरा इज अगेन अ ब्रॉड एरिया टू वर्क विथ. आपको उसकी ऑडिट भी करना है, तो पहले उसमें रेरा में मास्टरी करनी होगी कि किस एरिया, किस स्टेट का रेरा क्या कहता है, कहाँ पे क्या लूफोल हो सकते हैं, कहाँ पे क्या चैलेंज हो सकता है, मैं अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस कर सकता हूँ, कहाँ बेटर प्लानिंग करवा सकता हूँ. एंड ऑन द सेम टाइम यू कैन इवन वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, कि उस स्टेट गवर्नमेंट को अगर कंप्लायंस चेक कराना होगा, सो यू विल बी द पर्सन टू कॉल अपॉन. लेट्स से गुप्ता जी अगर रेरा के एक्सपर्ट है, तो इंडिया में कहीं भी बैठे होंगे. अगर मैं हरियाणा रेरा की बात करता हूँ, तो हरियाणा से जो रेरा डिपार्टमेंट है वो बात करेगा कि गुप्ता जी मुझे ये ऑडिट करना है या एक कंप्लायंस चेक कराना है, कि ये मेरे जो रियल इस्टेट के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं,
इन्होंने रेरा कंप्लायंस की है या नहीं की है, नहीं तो यूज पेनल्टी उन पे लगाई जाएगी. सो यू विल बी द पर्सन हु कैन सजेस्ट एंड हु कैन गाइड विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस एंड ऑडिट टू द डिपार्टमेंट एंड टू द कंपनी. इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेंसिक, फॉरेंसिक में भी अलग अलग एरिया है. लोगों ने, कुछ लोगों का रियल इस्टेट में, कुछ लोगों का ऑयल एंड गैस है, कुछ का इंश्योरेंस है, कुछ लोगों, हर बंदे का अपना स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है उस फील्ड में. अगर मैं चाहूं कि मैंने FAFD कर लिया, मैं हर फील्ड का मास्टर हो गया हूं, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है. सो यू विल हैव टू चूज अ पर्टिकुलर फील्ड वेयर यू नीड टू गिव योर एफर्ट. इन डेप्थ स्टडी आप करेंगे तभी आपको वो एक्सपीरियंस आएगा. देन कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, IFRS. आप देखेंगे जितने MNCs हैं या बड़े कॉर्पोरेट हैं, लिस्टेड कंपनीज है, सब में कंसोलिडेशन होता है जिनकी सब्सिडरीज है. अब जो कंपनी का CFO है या जो DGM है, डू यू थिंक दैट ही इज कैपेबल इनफ टू कंसोलिडेट द फाइनेंशियल, टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एंड इवन आई वुड से, डू यू थिंक दैट ही हैव द इनफ, ही शुड हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नॉट एट ऑल. He will hire some professionals outside the company who can come to office, prepare the financial statement, prepare the consolidated financial statement, and based on that they will approve that statement, they will check, and then they will submit the same to the statutory auditor. So here comes, you will get the opportunity of the consolidation, subject to you must have the good knowledge and experience, practical experience about the adjustments, classification, presentation, and reporting of financial statements. If even if you start with the big four and top 10 big firms, you can get good opportunity for this area, compilation and consolidation. Moving further, FDI. आप देखोगे गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स में 100% FDI अलाउ की है. तो अब आपको यह देखना है कि आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जहां पे आप FDI की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो लुक एट द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी वेयर कंपनीज और एनी इन्वेस्टर हु सिटिंग आउटसाइड इंडिया हु वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, यू कैन बी द इंटरमीडियरी, यू कैन बी द पर्सन हु कैन सजेस्ट देम how to invest in India, what are the legal compliances, what would be the procedure, and how smoothly he can onboard. Because the person who is sitting outside India may be, even I'm sure that he will not be well versed with the compliances and regulatory requirement of Indian government. But being a professional in India, you can serve the people, the investor coming from all over the world who want to invest in India. Now you can also see what are the other opportunity. Once you will help them to start a business, then you will be the professional who will suggest for the statutory compliances, for the control designing, for the SOP preparation, for the fund management. Everything you can suggest to that client. But the starting part is that you'll have to get the opportunity from the investor who have interest in investing in India. So a lot of venture capitalists, what are portfolio managers who are working outside India, even all over the world, they find some professional in India and others outside India as well who have good expertise on this. So if you want to get grab some opportunity in this field, you need to look at the laws and compliances, and you need to check with the good professional who are working outside India, through which you can get the good assignment. Now I'm moving for the funding options. And agar aap India mein dekhte hain, so maybe you will be getting funds and the finance cost would be around 8%, 9%, 10%, 11, 12, 13, 14. If unsecured, then 16, 17 also. But if you have network over the foreign funding,
if you have good relation with the professional sitting outside India who have very good investor, so you can chase the opportunity for external commercial borrowing. And believe me, the rate of interest would be much, much cheaper. In 3 or 4%, even sometimes 2% rate of interest, you can get ECB. There is a bit RBI compliances is there. Again, that will give you the opportunity for the certification and compliances. So if you will guide your client to get the ECB, so you might get good amount of fees as well, because you will be there to save the cost, the finance cost to the company, and that will be very helpful to grow the business up. Again, the loan syndication or the subsidy. If you talk about the Madhya Pradesh government or Uttar Pradesh government or Haryana government, Jammu and Kashmir government, every state has their own industrial policies. Out there, they have given you subsidy. Like they used to invite the investor, the industrialist, come to my state, establish their your own business, your own factory. I will give you land. I will give you subsidy over your investment. So this is again the great area to work with. Like if I have experience or I have knowledge of around 3, 4, 5 states where I can suggest my client to set up an industry, so I can help my client to get the subsidy, to get the approvals, to get the land at very nominal cost. And if you are there to support the subsidy of around 30 to 40%, I think no any businessman will hesitate to give you 5 to 10% as a fees. Because if I will be there to save 50%, they will be very easily giving me 10 to 15% also. कि सर ये आपने इतना बड़ा काम करा, ये आपकी फीस आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि सर ये जीएसटी की रिटर्न है, इसका रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, या ऑडिट आप कर रहे हैं, इसका रेट नहीं बढ़ा रहे हैं. सो दीज आर द एरियाज वेयर यू नीड टू वर्क अप, एंड यू नॉट सी एनी कंपटीशन इन दीज एरियाज, बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग फॉर द कंप्लायंसेस एंड स्टैट्यूटरी थिंग्स ओनली. बट यू विल हैव टू मूव फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, then you will get the synergy. Government tenders. I know so many professionals who are working in the field of tendering only. They suggest what kind of eligibility, what will be the eligibility to file, who can file, what are the documents, how to apply, how to impanel, everything. आपको पता होगा जो e-procurement portal है, government procure their services and goods of around 30 to 40% from e-procurement portal. And every service industry or the product industry, if they want to serve, they want to give services or product to the government of India, they will have to register in the e-procurement portal, because that is the base through which you will be called for the bid, otherwise not. So this is again a good area to start with. Real estate में, construction में, roadways में बहुत सारे tenders होते हैं जहां की जो businessman है कुछ ना कुछ गलती की वजह से technically qualify नहीं कर रहे हैं, financial bid में problem आ गई है, वो success नहीं होते tender में. Technically कैसे qualify होना है, you can give advisory to them. कि किस loophole को use करके, क्या planning करके आप टेक्निकली क्वालिफाई कर सकते हैं. एक बार टेक्निकली क्वालिफाई हो जाए तब तो फाइनेंशियली आपको काफी केसेस होते हैं जब आप फाइनेंशियली क्वालिफाई कर जाते हैं. सो दिस इज द गुड एरिया वेयर यू कैन स्टार्ट. देन ऑन द लेबर लॉज, अब सर अगर आप लेबर लॉज की बात करते हैं, सो लेबर लॉ ही बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है काम करने के लिए,
और लेबर लॉज में फीस भी बहुत अच्छी है अगर आप अच्छा काम करते हैं। लेबर लॉज में स्टार्ट होता है एक रजिस्ट्रेशन से, कंप्लायंसेस से लेके कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग जो है लेबर के साथ, और जो यूनियन के साथ काम करना है, बहुत सारी चीजें आपको लेबर लॉज में मिलेंगी। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाला हुआ है, इश्यू फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेंडर पेमेंट, प्रोक्योरमेंट, देन डिस्प्यूट सेटलमेंट, स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस, मैटरनिटी बेनिफिट, लीव्स एंड हॉलीडेज, देन वर्क प्लेस इंजरी एंड देयर कंपनसेशन, ग्रेच्युटी, पीएफ, रजिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अदर स्टेट्यूटरी रजिस्टर्स। तो ये सारी चीजें एक बिजनेसमैन जो है खुद नहीं कर सकता। एंड इफ द यू टॉक अबाउट द एसएमईज, तो वो इन सब चीजों के लिए 10-20 लोगों की टीम भी नहीं खड़ा कर सकते हैं। सो व्हाट दे विल बी डूइंग, दे विल आउटसोर्स दिस सेगमेंट टू सम गुड प्रोफेशनल। सो इफ यू आर डीलिंग इन द लेबर लॉज, देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, राइट? कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, अगेन दिस इज अ ग्रेट एरिया। अगर आपने आर्बिट्रेशन देखा हो, मैंने एक आर्बिट्रेशन का केस देखा था जहां पे मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा एरिया कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना और कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने में भी इतना अच्छा रेम्यूनरेशन मिलता है, मुझे पता नहीं था। फिर इसके बाद मैंने इस फील्ड में भी काम करना शुरू किया एंड वी आर वर्किंग इन द कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एज वेल। जहां पे अगर ज्वाइंट डॉक्यूमेंटेशन है या ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट होना है, तो उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, कौन से क्लॉज होने चाहिए, आप जिसने आपको अपॉइंट किया आप उसके स्किल को कैसे सेव करके चलोगे, फ्यूचर में कोई अगर डिस्प्यूट आने वाला है तो उससे रिलेटेड आप क्या पॉइंट अभी डाल के चलेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप सर्विस एग्रीमेंट की बात करें तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, पेमेंट की बात करें तो पेमेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, अगर पेमेंट ना हो तो क्या उसको पेनल्टीज क्या लगेंगी, क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर कोई डिफॉल्टर है तो, मुझे अगर परचेज या से परचेज करना है कुछ, तो जो वेंडर को मैं परचेज एग्रीमेंट या पीओ भेजूंगा, परचेज ऑर्डर भेजूंगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे मैं अगले को बाउंड कर सकता हूँ। अगर मैं एक फ्रेंचाइजी डाल रहा हूँ तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में क्या टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। अगर मैं स्टार्टअप अपना बना रहा हूँ और नए जो शेयर होल्डर, किसी को इक्विटी दूंगा, तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट कैसा रहेगा। अगर मैंने लीज पे कुछ स्पेस लिया हुआ है जहां पे मैं अपनी कंपनी को स्टार्ट करूंगा, तो लीज रेंटल से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन को बिजनेस करना आता है, लेकिन एक प्रोफेशनल को ये सारी चीजें आती हैं। आप ऑडिट करते हुए 10 तरह के कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, उसको रीड करते हैं, जब आप आर्बिट्रेशन में जाते हैं, अगर आप आर्बिट्रेटर हैं, तो आप डिस्प्यूट के बाद देखोगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, किस टर्म को वॉयलेट किया गया, इज देयर एनी ऑप्शन जहां पे उसको अवेल करके आप अपने क्लाइंट को सेव कर सकते हो। एक पॉइंट और कॉमा का बहुत फर्क हो जाता है, एक छोटी सी लाइन का बहुत फर्क पड़ जाता है। सो दीज आर द ग्रे एरिया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अगर इनमें आप काम करते हैं, आप अच्छी लॉ फर्म्स के साथ टाई अप करके कोलेबरेट करके ये सर्विसेज अपनी दे सकते हैं। देन ड्यू डिलीजेंस, वी ऑल आर डूइंग ड्यू डिलीजेंस, सो वी आर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, बट इफ यू हैव द टीम ऑफ गुड लॉयर्स, देन यू कैन ऑल्सो डू दी लीगल ड्यू डिलीजेंस, एंड इफ यू हैव सम इंजीनियर और दी सेक्टर स्पेसिफिक पीपल इन योर टीम आफ्टर दी नेटवर्किंग गाइडलाइन, देन यू कैन गिव द कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस, इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस, लीगल ड्यू डिलीजेंस, ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, एवरीथिंग। डोंट लिमिट योर सेल्फ फॉर द ड्यू डिलीजेंस विच इज बींग डन बाय द बैंकिंग सेक्टर। बैंकर आपको लोन दे रहा है तो लोन से पहले वो बोलेगा ड्यू डिलीजेंस ये हिसाब से करा के लाओ। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ, इवन दिस ड्यू डिलीजेंस इज बींग डन एट द टाइम ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। And when any company is going to merge with somebody, so you will get both the opportunity for the sell side and the buy side. So both the people will appoint their own valuer who will be doing due diligence, who will give the enterprise value, that what should be the value for your business, what should be the correct enterprise value they should offer. If you are from supplier side, then you will give the minimum maximum quote, that this should be the maximum quote. If you are from the seller side, then you will give quote that this is the amount, you should not go below this amount. So the minimum amount should be this much. So ये due diligence में बहुत अच्छे areas हैं, merger and acquisitions के साथ आप काम कर सकते हैं।
आईटी रिलेटेड आईटी सर्विसेज जो आप देख रहे होंगे, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, लॉट ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज आर देयर, इवन फिनटेक कंपनीज आर देयर जो कि आईटी की कंप्लायंस जैसे प्राइवेसी लॉ है, तो बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस है जो कि करने होते हैं। और बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, अगर आपने डीसा किया है या आपने सीसा किया हुआ है, सो यू आर एलिजिबल एंड यू कैन गिव योर सर्विसेस, प्रोवाइडेड कि आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सिस्टम की टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, सिस्टम डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डिजाइन और टेस्टिंग कर, डिजाइनिंग का नॉलेज है तभी आप अच्छी टेस्टिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप चीजों को मिस कर सकते हैं। सो अगेन दीज आर द एरिया जहां की आपको फी नेगोशिएट नहीं करनी है, आप बोलेंगे ये फीस है वो आपको मिलेगी बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंपटीटर, बहुत कम लोग हैं जो कि इस पे काम करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आई नो सम ऑफ द प्रोफेशनल, कुछ हमारे चार्टर्ड फ्रेंड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आईपीआर पे काम करते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन करना, सबमिशन करना, ऑब्जेक्शन आया तो रजिस्टर्ड कैसे कराना है, एप्लीकेशन से टिल द रजिस्ट्रेशन, वो सारा काम देखते हैं। So if you want to develop your practice in the field of IPR, then I would suggest ask few advocate, lawyer in your team and start working with them. Don't be the person ki sab kuch main hi kar lo. Build up your team. When you will broad your team, when you will grow up, jab apni team ko aap bada karenge, to aapko bahut achhe naye naye options aayenge, naye opportunities aayenge. Just ask for your share. अभी आप अगर चार चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप एक की प्रैक्टिस करेंगे तो उस एक में बेहतर कर पाएंगे, बाकी तीन आप अपने पार्टनर्स को दीजिए, उनसे आप सिनर्जी बेनिफिट ले लीजिए। देन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एरिया जो अभी आपको नहीं दिखेगा बट ओवर द पीरियड आप देखेंगे, द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग BRSR, कि जो आपका बिजनेस है ओवर द पीरियड क्या वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो आप नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं कितना आप रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं। अभी टॉप 1000 जो कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्हें BRSR रिपोर्टिंग करना है, लेकिन आने वाले टाइम में लगभग सबके लिए ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो जाएगी, जहां पे आपको CSR के लिए रिपोर्ट करना है, जो आपको एनर्जी कंजम्पशन के लिए, कार्बन एमिशन के लिए, CSR में आपने क्या एक्टिविटीज की, आपने HR पॉलिसीज में क्या चेंजेस किया है, हर चीजों में आपको एक सेट ऑफ पैटर्न है, जो SDG गोल आपने सुना होगा, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स 2030, तो ये टारगेट है कि जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स है उनको हम अचीव करें और उनपे कंपनी का कितना कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी के पार्ट पे हम उसे रिपोर्ट करें। सो दिस इज अगेन अ गुड आइडिया टू प्रैक्टिस इन फ्यूचर। FCRA, बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंपनीज भी हैं जो इंडिया में काम करें, इंडियन बहुत सारे अच्छे NGOs हैं, ट्रस्ट हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी काम करते हैं, तो उन पे आप FCRA का रजिस्ट्रेशन या FCRA कंप्लायंसेस एडवाइजरी का काम कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ गुड आइडिया क्योंकि एक ATG 12AA तो लगभग सब लोग कराते हैं, बट FCRA किस लिए रिक्वायरमेंट होता है कि आपको फॉरन से फंडिंग लानी है, फॉरन से फंडिंग आपको लानी है तो होम मिनिस्ट्री आपको FCRA का रजिस्ट्रेशन देगी जो आपको कराना पड़ेगा, उसकी कंप्लायंसेस है, सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई भी FCRA का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, देयर आर सर्टेन गाइडलाइन व्हिच यू नीड टू कंप्लाई विद, इफ यू विल कंप्लाई द गाइडलाइन ओनली देन यू विल बी एबल टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द FCRA, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं, उसकी भी सेपरेट रिपोर्टिंग है, वहां पे आप बहुत अच्छा एडवाइजरी का काम कर सकते हैं। देन SEZ लॉज, M&A आई हैव टॉक्ड अबाउट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ और एरियाज है जहां पे आप काम कर सकते हैं, जैसे टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, फिनटेक डेवलप कर रहा है, यू कैन बी द स्ट्रेटेजिक पार्टनर, आप उनको नॉलेज पार्टनर उनके बन सकते हैं, नॉलेज बेस दे सकते हैं, क्योंकि द पर्सन हु इज डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर कैन बी अ गुड टेक्निकल गाय बट कैन नॉट बी द गुड फाइनेंशियल एंड लीगल गाय एज वेल, उसके लिए उसे फाइनेंशियल और लॉ का अच्छा नॉलेज वाला पर्सन चाहिए ही होगा, एंड यू विल बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्सन हु कैन गाइड हिम टू बिल्ड अप और डेवलप अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर। देन डेट रिडक्शन और फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई हैव सम क्रेडिट फैसिलिटी
from Bank of Baroda, and ICICI Bank is approaching me. So if my client have the limit from Bank of Baroda and that is charging around 8%, and ICICI Bank is giving you option to and he will be charging around 7%, then that 2% you can reduce the finance cost and you can guide your client to switch from Bank of Baroda to ICICI Bank. So in the synergy benefit, or after BT, you can get good fees because the company will be getting a very handsome amount in the saving. Freelancer writing, like we know a lot of CA professionals who are in the authorship, जो कि किताबें लिखते हैं, तो आप उनके साथ अगर अपना आपका इंटरेस्ट है कि मैं किताबें लिखना चाहता हूँ या कुछ आर्टिकल्स लिखना चाहता हूँ, सो यू कैन मेक कैरियर इन दीज फील्ड्स एज वेल. आप उनके साथ टाई अप करके उनके साथ एज अ एसोसिएट असिस्टेंट बन के काम कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम दीज फील्ड्स. देन ऑनलाइन कोचिंग, एंजल इन्वेस्टर, इन्वेस्ट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, venture capitalist, then financial advisor to government and public sector, risk management consultancy. So many corporate will come to you, they will ask for the internal financial control. So in case of IFC, you can be the advisor for the designing, planning, designing, then implementing, testing and audit. So all these area you can cover up. If you have good thought or if you have good knowledge about IT, then they can analyze their system, their process, their internal control. If they have or if they don't have, then you can guide for the preparation of SOP or the system design, and then you can further support for the implementation of that system, and post that implementation you can also support them to test whether the desired result or expected result the business is getting or not, right? That is called efficiency check. Then budget specialist, so many companies or manufacturing entity, I would say they, you or the education sector, they used to come to you and they will ask, sir, mujhe budget bana ke aap de do. Agle 4 saal, 5 saal, ya next year kya budgeting rahegi based on the current financial. So you can be the budget specialist as well. If you have some interest in the capital market or investment or wealth creation, you can start your course at ICI for the wealth management and you can start a mutual fund firm. If you have good network with the RP resolution professional, or if you have good caliber where you can use that to realize the fund from later, then you can be the good debt collector. So you can start business of debt collection, business of debt recovery. So these are some small areas, and now you can see the courses being offered by ICAI post qualification. So this is brief from my side, and at the end I would say services, you need to deliver the outstanding client services where you can provide maximum level of satisfaction, and then you will achieve the financial success. So thank you so much from my side. If you have anything, any question, you can ask. Thank you very much, Anurudh Tiwari ji. Meri awaaz aa rahi hai na aapko? Yes, ji, aa rahi hai Gupta ji. Yes. Okay. देखिए, बहुत ही अच्छा सेशन रहा. किसी भी डेलिब्रेशन को समझने के दो तरीके होते हैं. एक तो पैसिमिस्ट एटीट्यूड होता है. पैसिमिस्ट एटीट्यूड में क्या, अरे यार ये बातें कर रहे हैं, ये ही काम करने तो हम सीए पर क्यों बने थे. दूसरा एक ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड होता है, यार बात तो सही है, इतनी सारी बातें कही गई, इतने सारे कैरियर ऑप्शंस दिए गए, इनमें से एक भी अगर हम चूज कर लें तो भी बहुत है. लेकिन चाहिए क्या, सबसे पहले प्रोफेशनल को क्या चाहिए होता है, उसके पास टाइम होना चाहिए. अगर कोई प्रोफेशनल ओवरली बिजी है तो मैं उसको प्रोफेशनल नहीं मानता. आपके पास
सोचने का, समझने का, ग्रो करने का, थिंक करने का, रीड करने का, अंडरस्टैंड करने का, एनालाइज करने का टाइम बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये टाइम ही नहीं है तो फिर तो आप जो कर रहे हो वही करते रहोगे। आपके पास दिन में कम से कम 2 घंटे खाली होने चाहिए। उन 2 घंटे में आपको करना क्या है, आपको सोचना है अपनी ग्रोथ के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन करना है और अपने आपको कैसे ग्रो किया जाए, किस नए एरिया में आप जा सकते हैं वो चीज जरूरी है। बाकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की। अगर आप बहुत सीनियर लेवल पे हैं तो ठीक है, आपकी ये भी ड्यूटी है कि आप यंगस्टर्स को भी गाइड करें। अगर आप खुद यंग हैं तो आपकी ये ड्यूटी है कि काम तो करें ही करें, उसके अलावा आप एक्सिक्यूशन के लिए टाइम देखिए। ऐसा है जैसे हम बहुत सारी चीजें हमें बहुत जल्दी पढ़ा दी जाती हैं, हमें बीकॉम में ही पढ़ा दिया जाता है भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्लानिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं है हमारी, सीधा ही ना प्लानिंग है, ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना डायरेक्शन है, ना कंट्रोल है, हम क्या कर रहे हैं, एक्सिक्यूशन। एक्सिक्यूशन तो मैनेजमेंट में है ही नहीं, हमें तो लोगों से एक्सिक्यूशन करवाना है, खुद नहीं करना। अगर हम खुद ही एक्सिक्यूशन में पड़े रहे तो फिर तो हम प्रोफेशनल नहीं है, हम तो अकाउंटेंट हो गए, लेबर का काम हो गया हमारा। तो आपको तो क्या करना, बस इशारा करना, भाई ये ईंट इधर लगा दो, ये ईंट इधर लगा दो, लगाने वाला कोई दूसरा होगा। सबसे पहले अपने पास टाइम रखिए, 2 घंटे 4 घंटे बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या सोचना है, वैल्यू एडिशन। वी हैव टू आस्क आवर सेल्फ ईच डे, भाई जिस भी क्लाइंट से हम जितने भी पैसे ले रहे हैं उसमें हम उसको क्या वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। आजकल गोल गोल टिक्की के पैसे देने को कोई राजी नहीं है। वो गोल गोल टिक्की क्या है, वही कंप्लायंस है। कंप्लायंस में वो कहता भाई बिजनेस मेरा, मैं इसको जानता हूं, तुम मुझे इसके बारे में क्या ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो। और ऑडिट रिपोर्ट भी 99.99% अनक्वालिफाइड रहती है, तो ऑडिट रिपोर्ट से कोई क्वालिटी तो प्रूव हो नहीं रही। तो वो ये कहता है कि भाई मैं एक नया यंग प्रोफेशनल है, वो कहता मैं भी ऑडिट कर दूंगा, आप पुराने हो, आप कहते हो मैं भी ऑडिट कर दूंगा, तो वो क्यों ना नए के पास जाए। अब व्हाट डिफरेंट यू आर ऑफरिंग, मेन बात ये है। तो और हर एक को वैल्यू एडिशन की जरूरत भी नहीं होती। बहुत सारे तो कह रहे हैं यार हमारा बिजनेस है, हमें पता है कैसे चलाना है, ठीक है तुम हमें मत सिखाओ। वो जो प्रोग्रेसिव माइंड एंटरप्रेन्योर होते हैं वही इन चीजों को समझते हैं। जरूरी नहीं कि वो एमएनसी हो, एमएनसी के अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं विच आर ओपन फॉर डिस्कशन, विच आर ओपन फॉर न्यू सजेशंस। तो वी हैव टू लुक फॉर सच एंटरप्रेन्योर्स हु आर ओपन फॉर डिस्कशन, हु आर ओपन फॉर लिसनिंग टू प्रोफेशनल्स। तो ऐसा अगर हम चलेंगे तो काफी आगे जा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन अनुरुद्ध तिवारी जी, इट वॉज रियली वंडरफुल सेशन एंड फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स नाउ इट इज ओवर टू आर पी भारद्वाज जी। भारद्वाज सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आप जेन्युइनली पैसे लिए, ये चीजें भी काउंट करती है ना कहीं ना कहीं। हाँ ये तो जी, बाकी तो बहुत अच्छा डिस्कशन तो रहा, देखो वेरी जी। थैंकफुल टू यू सर फॉर गिविंग अ डिफरेंट डायरेक्शंस टू आवर मेंबर्स, एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर मेकिंग दिस प्रोग्राम अ ग्रेट सक्सेस। विद द परमिशन ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एंड द मीटिंग, देयर इज नो अदर इश्यू टू बी डिस्कस्ड। थैंक यू ऑल वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।